अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मफ़िन्स। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, उसमें हम एक कप मैदा डालेंगे यानी प्लेन फ्लावर ऐड कर देंगे। एक कप मैंने पाउडर शुगर ली है, इसी कप से नाप कर लिया है मैंने। जितना मैंने मैदा लिया है उतनी ही पाउडर शुगर ली है। हाफ कप कोको पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 पिंच इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको सीव कर लेंगे, छान लेंगे इसको हम छन्नी में। इसको सीव कर लेना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ वगैरह जो भी होंगी वो इससे निकल जाएंगी और प्लेन बिल्कुल स्मूथ हमारा केक का बैटर बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए कितनी गुठलियाँ थी इसके अंदर, इससे हमारा केक का बैटर बिगड़ सकता था, तो इसलिए अब इसको हम प्लेन कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेना है। अब एक बोल ले लेंगे, इसमें हम 2 अंडे शामिल कर देंगे, 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे और 1/3 कप मैंने दही लिया है, कर्ड ऐड कर देंगे। दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हमारा मफिन्स बनके तैयार होते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो ऑयल आपको दिख रहा है सेपरेट, वो सेपरेट नहीं रहना चाहिए, वो सब अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाए। तो ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, लिक्विड ही बैटर हमारा बनकर रेडी है। अब ड्राई बैटर में थोड़ा थोड़ा करके हम ये लिक्विड वाला बैटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो ये देखिए सारा मैंने लिक्विड वाला जो हमने बैटर बनाया था वो डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारा बैटर डालने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका केक का बैटर बहुत गाढ़ा है, थिक है, तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर दोगे, ज़्यादा थिक रखोगे तो केक आपका ऊपर से फट जाएगा, और अगर आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो केक अंदर दब जाएगा बेक होने के बाद। तो इसलिए हमें मीडियम रखना है, ना ज़्यादा पतला करना है बैटर को और ना ज़्यादा थिक रखना है। इसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस भी जाएगा जो मैं आपको बताना भूल गई थी। मोल्ड ले लेंगे, ये मैंने कपकेक का मोल्ड ले लिया है, सिलिकॉन मोल्ड है जिससे इजीली निकाल सकते हैं हम कप जो मफिन्स हम बना रहे हैं उसको। तो इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बैटर डाल देंगे मफिन्स का। बहुत ही इजी है बनाना, आप इसको टी टाइम पर चाय के साथ खा सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है ये खाना। तो ये देखिए सारा मैंने मोल्ड को फिल कर दिया है बैटर से। इसको हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि अंदर तक बैटर अच्छी तरह से चला जाए। ऊपर से हम चोको चिप्स स्प्रिंकल करेंगे, आपको जो भी स्प्रिंकल करना है आप वो कर सकते हैं ऊपर। प्री हीट कर लिया है ओवन को, 20 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था। अब 180 टेम्परेचर पर इसको मैंने बेक किया है 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स में ही बहुत अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कितना इजीली ये रिमूव भी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे चॉकलेट मफिन्स बनकर तैयार हुए हैं और कितना ईजिली ये निकल भी रहे हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए, मेरे तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनेंगे, आपके लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए एक मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही सॉफ्ट और यमी से हमारे चॉकलेट मफिन्स बने हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो मफिन्स स्पॉन्जी ही होते हैं, लाइट होते हैं। तो मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।